नमस्कार। बार बार हम नए पौधे लाते हैं और फिर वो डल होकर के मरने लग जाते हैं। आपके कमेंट में भी मुझे बहुत सारे ऐसे सवाल मिल रहे थे, पत्तियां पीली हो रही हैं, पौधे डल हो रहे हैं, तो उसकी क्या वजह है। तो कुल मिला के एक बहुत बड़ा फैक्टर होता है वॉटरिंग। कम पानी दे दिया तो भी पौधे मरेंगे, ज्यादा पानी दे दिया तो भी पौधे मरेंगे। तो अब ऐसा क्या तालमेल बिठाएं कि पौधे वॉटरिंग की वजह से ना मरें, आज के वीडियो में यही जानते हैं। तो बस बने रहिए मेरे साथ आखिर तक। मैं हूं अंजना, वेलकम टू अमलान बाग। पौधों की अगर बात करें तो धूप के अलावा सबसे जरूरी दूसरी रिक्वायरमेंट होती है वॉटरिंग। और वॉटरिंग डिपेंड करती है आपका पौधा कैसा है, कौन सा है, यानी कि आपका सॉइल मिक्सचर कैसा है, आपका पॉट जिसमें आपने पौधा उगाया है वो कैसा है, उस एरिया का टेम्परेचर कितना है, उस एरिया की ह्यूमिडिटी कितनी है, और सबसे बड़ी बात साल का कौन सा वक्त चल रहा है, यानी कि कौन सा महीना चल रहा है। इतनी सारी बातों पर डिपेंड करता है कि हमें पानी कैसे देना है। अब प्रॉब्लम आ गई कि समझ में नहीं आता। एक टेस्ट होता है फिंगर टेस्ट, यानी कि अक्सर हम जो बात करते हैं वीडियोस में कि फिंगर से टेस्ट कर लीजिए, इतना फिंगर डालकर कहीं मिट्टी में कि आपकी मिट्टी सूखी है या गीली, अकॉर्डिंगली पानी दे दीजिए। लेकिन ऊपर की मिट्टी सूखी है, नीचे क्या हालत है, गमला तो इतना गहरा है, ऊपर की मिट्टी सूख गई, नीचे क्या हालत है ये हमें नहीं पता। तो वॉटरिंग के इस कंफ्यूजन से निजात दिलाता है हमें ये मॉइस्चर मीटर। ये किस्म का एक मीटर होता है, बहुत ही सिंपल है। सिंपल इसमें एक प्रोब होता है, कोई दो प्रोब वाले भी होते हैं। जैसा कि हम जानते हैं वाटर इज गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, तो सॉइल में कितना वाटर है, कितना मॉइस्चर है, वो ये इसको बहुत आराम से रीड कर लेता है। बेसिकली हमें कुछ भी नहीं करना है, आपको अपने गमले में इसे इस तरीके से डालना है। एक चीज खास तौर से ध्यान देनी है, अगर आपको मिट्टी में डालते वक्त कुछ ऐसा लगता है कि कहीं कुछ चीज हिट कर रही है, टकरा रही है, अंदर कोई छोटा सा पत्थर हो सकता है, कुछ भी चीज हो, तो ये इस पार्ट को डैमेज कर सकता है। और यही सेंसिटिव पार्ट है, अगर ये डैमेज हो गया तो आपका मॉइस्चर मीटर खराब हो जाएगा। इसमें बेसिकली जब हम डालते हैं तो हमारी नीचे तक की मिट्टी में कितना मॉइस्चर है इसका हमें पता चल जाता है। अगर मीटर में रीडिंग देखते हैं हम, तो आपको तीन कलर दिखते हैं, लाल, हरा और नीला। लाल का मतलब बहुत ड्राई है, 1 से 3 तक। फिर 4 से 7 तक हरा है, मतलब मॉइस्ट है मिट्टी, इस वक्त पानी देने की जरूरत नहीं है। और 8 से 10 पॉइंट तक अगर आ गया, इसका मतलब बहुत ज्यादा गीला है, बिल्कुल पानी नहीं देना है, हो सके तो पानी को थोड़ा सुखाइए। ये जो मॉइस्चर मीटर होता है इसके पीछे एक लेवल होता है जिसमें कई प्लांट्स के बारे में लिखा होता है इसको क्या लेवल का मॉइस्चर पसंद है। लेकिन अगर उस लिस्ट में आपका पौधा नहीं है और आप जानना चाहते हैं कि ये इसको किस रेंज का मॉइस्चर चाहिए, तो मेरे कई सारे वीडियोस हैं ऑल अबाउट पर्टिकुलर प्लांट के नाम से, है ना, ऑल अबाउट पॉइंसेटिया, ऑल अबाउट सेंसेवेरिया, ऑल अबाउट फिडेलिपिक, ऐसे बहुत सारे वीडियोस हैं। तो उन सब का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, आपके पास जो पौधा है उसके बारे में जाकर के देख लीजिएगा और अकॉर्डिंगली वॉटरिंग करेंगे तो पौधे बचे रहेंगे। एक चीज और ध्यान देनी है कि हर बार जब आप इसको मिट्टी में डाल के निकालेंगे तो इसको सूखे कपड़े से अच्छे से पोंछिए। अगर स्टोर कर रहे हैं तब भी इसको सूखे कपड़े से पोंछिए, इस पे मिट्टी नहीं लगी रहनी चाहिए, अगर जंक लग जाता है तो ये फिर खराब हो जाएगा। अब एक और प्रॉब्लम ये है कि इसके होते हुए भी कई दफा वॉटरिंग गड़बड़ हो जाती है। लॉजिकली अगर हम सोचते हैं कि हमने अपने मॉइस्चर मीटर को किसी प्लांट में डाला था, वो 1 से 3 के बीच में आया है, मतलब वो ड्राई है। लेकिन यहाँ पौधे का ध्यान रखना है, प्लांट टाइप क्या है। अगर आपके पास कैक्टाई है, सकुलेंट्स है, तो अगर वो ड्राई पीरियड में भी है तो आपको घबराने की बात नहीं है, ये ड्राई में रह सकते हैं, थोड़े दिन अगर रह जाएंगे तो उनका कुछ नहीं बिगड़ेगा, है ना। लेकिन वैसे ही अगर ये ड्राई रेंज आपके पोथोस में आ गई, फिलोडेंड्रंस में आ गई, फिडल लीफ पिग में आ गई, मॉन्स्टेरा में आ गई, तो टेंशन की बात है, ये पौधे कभी भी ड्राई रेंज में नहीं जाने चाहिए, ये मॉइस्ट में रहने चाहिए। कुछ पौधे ऐसे हैं जो हाई ह्यूमिडिटी में रहना पसंद करते हैं, यानी कि वो अगर ड्राई में गए तो डेफिनेटली मर जाएंगे, जैसे कि कैलेथियाज हैं, फर्न्स हैं, इनको बिल्कुल भी सूखा पसंद नहीं है, मिडल से नीचे जाता है, 4 नंबर पे आता है, तभी आप इसको पानी दे दीजिए, ताकि मोस्ट द टाइम वे थोड़ी हायर मॉइस्चर लेवल में बने रहें। तो बहुत ज्यादा दिन तक सॉगी नहीं रहना है, लेकिन मीडियम रेंज मॉइस्चर होना चाहिए। ड्राई में सिर्फ आपको कैक्टस पे रिलाय करना है कि ये ड्राई भी होंगे तो चल जाएंगे, बाकी चीजों के लिए हमें मिडिल रेंज को अपनाना है। अब दूसरी चीज होती है इसी से मिलती जुलती कि आपने कौन सा पॉट लिया है। अगर आपका कंटेनर जो है वो फाइबर का है, प्लास्टिक का है कंटेनर, तो उसमें हवा नहीं लगती, ऊपर की मिट्टी सूख जाएगी लेकिन नीचे बहुत गीला होता है, और कंटिन्यूसली गीला रहने से उसकी जड़ें गल जाती हैं, जड़ें गलती हैं तो पौधा कुछ ना कुछ रिफ्लेक्ट करता है, पहले पत्तियां पीली पड़ती हैं, फिर वो पौधा आपको टाटा बाय बाय कर देता है। तो इसीलिए वॉटरिंग एक एस्पेक्ट है अपने पौधों को बचाने का, तो सबसे पहले वॉटरिंग को कंट्रोल करके पौधे बचाइएगा, और पौधे तो बचेंगे, इसी बात पर इस वीडियो को लाइक भी करिएगा, बहुत सारे लोगों के साथ शेयर कीजिए, क्योंकि
ये जो मॉइस्चर मीटर है ये उन सब लोगों के लिए बहुत फायदेमंद है जिन्होंने कोविड के दौरान गार्डनिंग का शौक शुरू किया है। ऐसे कई लोग हैं जिनके मैं कॉन्टेक्ट में आई हूँ अभी इन दिनों, तो जो नया नया शौक रखते हैं उनके लिए ये बहुत ही सपोर्ट है अपने पौधों को बचाने का। वाटरिंग कंट्रोल हो जाएगी तो आपकी 90% प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। और अगर अम्लान बाग को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो बहुत गलत बात है, जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते रहिए, नमस्कार।